हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टाइम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं चने का समोसा। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। इसमें लगभग हमने लिया है 1.5 कटोरी तक मैदा, मोहन लगाने के लिए तेल, 1/4 कटोरी तक भुना हुआ चना, सौंफ, हींग, जीरा, नमक, काली मिर्च, आमचूर पाउडर, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ मिर्चा और अजवाइन। तो चलिए इसको हम भूनने के लिए पैन रखते हैं। गैस ऑन कर लिया है, पैन रख दिया है और इसमें तेल डालते हैं। 2 स्पून तेल डाल देते हैं। और इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे, 2 छोटे चम्मच जीरा डालेंगे, 2 चम्मच छोटा सौंफ डालेंगे, 2 भुने हुए चने डालेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो जाने के बाद इसको हमें पीसना पड़ेगा। हमारा चना लगभग भून गया, हल्का ही भूनना है, ज्यादा इसको नहीं भूनना है। इसको थोड़ा सा ठंडा करके ग्राइंड कर लेते हैं मिक्सर में। देखिए दोस्तों, हमने इसको ग्राइंड कर लिया है, ये महीन हो गया है। अब इसको हम एक कटोरे में निकाल लेते हैं। देखिए हमने पूरा इसको इस कटोरे में निकाल लिया है। अब हम इसको फिर से एक बार फ्राई करेंगे, क्योंकि इसमें हमें सारे मसाले ऐड करने हैं। तो हम इसके लिए फिर से पैन एक बार गैस पे रखते हैं। हमने देखिए दोस्तों गैस ऑन कर दिया, पैन रख दिया। इसमें फिर से हम ऑयल डालेंगे, अब की लगभग 2 से 2.5 चम्मच तक ऑयल डाल देंगे। ये हमने जो चना थोड़ा सा तेल हमारा हो जाए, चना डाल देते हैं। इसी में हम सारे थोड़े थोड़े मसाले डाल देते हैं। 1/2 चम्मच मिर्ची लाल, 1 चम्मच धनिया पिसा हुआ, 1 चम्मच आमचूर पाउडर और 1/2 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। चलिए इनको हम सबको मिला लेते हैं। हाँ दोस्तों, ये हमारा भुन गया है, लगभग हल्का सा लाल हो गया है। देखिए हमारा मटेरियल लगभग तैयार हो गया है भरने के लिए। अब हम गैस बंद कर देते हैं, इसको ठंडा होने देते हैं और इधर हम मैदा मार लेते हैं। चलिए फिर मैदा मार लेते हैं। मैदा हमने एक प्लेट में ले लिया पूरा। इसमें हम 1 चम्मच अजवाइन डाल लेते हैं, 1/2 चम्मच नमक डाल लेते हैं, 1/2 से थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं। इसमें मोहन डालना पड़ेगा हमें, मोहन लगाने के लिए। देखिए मोहन हमारा लग गया है, लगभग अच्छे से लग गया है। ये देखिए इसमें हमने 2 से 2.5 चम्मच ऑयल डाला है, तब जाके हमारा मैदा इस तरह तैयार हुआ है। चलिए हम इसको पानी की सहायता से मार लेते हैं। देखिए हमारा मैदा तैयार हो गया और इसको 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा मैदा सेट हो रहा है, तब तक हम इसमें नमक ऐड कर लेते हैं। नमक आप लोग अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, हमने वैसे 1.5 चम्मच लगभग डाल लिया, 2 चम्मच। देखिए हमारा मैदा सेट हो गया, इसको हम एक बार और सही कर लेते हैं हाथों से, एक बार फिर से दबा लगा के। अब हम इसको समोसे का शेप देना शुरू करेंगे। चलिए तो हम इसको बेल लेते हैं।
मैं देखिए हम छोटी छोटी लोइयां काट लेते हैं पहले। बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए ना, बहुत बड़ी होनी चाहिए, एकदम मीडियम में होनी चाहिए। लोइया देखिए हमने सारी काट ली है, अब हम इसको गोल बना लेते हैं। गोल बना के इसको बेल लेते हैं। देखिए हमने इसको बेल लिया है, ये पहले हम हल्का सा गोल करेंगे फिर इसको लंबी शेप में बेलेंगे, और बहुत बड़ा नहीं करना है क्योंकि हमें छोटा ही समोसा बनाना है। फिर इसको चाकू से आधा काट लेते हैं, फिर एक परत इसके ले लेते हैं। इसको एक परत ऐसे घुमाया, इसके ऊपर हमने पानी लगा दिया दोस्तों, फिर दूसरी परत भी ऐसे पलट के उसी पानी के ऊपर रख दी और ये नीचे से दबा दिया। और फिर हम इसमें मटेरियल अपना चने का भर लेते हैं। जितना छोटा समोसा हो दोस्तों उसी हिसाब से आप भरिएगा, क्योंकि इसमें आता नहीं है ना समोसा, इसका चूरा अगर बाहर निकल गया तो आपका समोसा खराब हो जाएगा। ये देखिए ऐसे भर गया। फिर हम इसमें इसके चारों साइड्स में पानी लगा लेते हैं, पानी लगाने से ये खुलेगा नहीं हमारा। इसकी एक साइड देखिए ऐसे हमने मोड़ दी, फोल्ड कर दी, फिर ये समोसा हमने दबा दबा के चारों तरफ से बना दिया। देखिए हमारा समोसा। चलिए दूसरा भी हम बना लेते हैं। देखिए इसको हमने एक परत ऐसे फोल्ड की, इसमें हमने उंगली की सहायता से पानी लगा लिया और दूसरी परत भी हमने इसी के ऊपर रख दिया। देखिए ऐसे और नीचे साइड में थोड़ा सा दबा दिया। फिर इसमें हमने आधा चम्मच अपना मटेरियल डाल दिया। फिर इसमें हमने चारों तरफ पानी लगा दिया दोस्तों, इसको हमने ऐसे थोड़ा सा फोल्ड कर दिया। ये देखिए देखिए ऐसे फोल्ड किया, फिर हमने चारों तरफ से इसको ऐसे अच्छे से दबा दिया। देखिए इसी तरह हम सारे समोसे अपने बेल के बना लेंगे। ये देखिए हमारे सारे समोसे लगभग तैयार हैं। देखिए अगर आपको वीडियो हमारा बनाते हुए नहीं समझ में आया समोसा तो एक बार फिर से देख लीजिए। पहले हमने इसको उधर फोल्ड किया, फिर दूसरा फोल्ड किया, उधर थोड़ा सा दबा दिया, और इसमें उतना ही मटेरियल डालें जितना आपका समोसा अंदर तक जा सके, क्योंकि अगर बाहर निकल जाएगा तो आपका समोसा और में फट जाएगा। देखिए दबा दिया थोड़ा अंदर से, इसमें हमने चारों तरफ पानी लगा लिया और इधर से हल्का सा ऐसे फोल्ड कर दिया दोस्तों। ये देखिए इधर दबा दिया और हमने पूरे चारों तरफ ये ऐसे दबा दिया। देखिए बन गया। अब हम इनको तल लेते हैं ऑयल में। देखिए हमने तेल रख दिया है, अभी गर्म हो जाए तो इसमें समोसे डालते हैं। तेल देखिए गर्म हो गया, अब इसमें हम समोसे डाल देते हैं जितने आसानी से पड़ सके। इसको मीडियम फ्लेम में भूनेंगे। देखिए हमारे समोसे ब्राउन हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं प्लेट पे। इनको ज्यादा लाल मत करिएगा, ऐसा करिए तो कुरकुरे से हो जाए, इतना भून दीजिएगा। ये समोसे निकाल लेंगे। देखिए दूसरा और डाल देते हैं। हमने सारे समोसे इसी में डाल दिए, अब एक साथ पक लेंगे। देखिए हमारे ये भी समोसे हो गए हैं लगभग, अब हम इनको निकाल लेते हैं प्लेट में। देखिए हमारे सारे समोसे बन चुके हैं अच्छे से। और दोस्तों समोसे बनाने से पहले ये जरूर ध्यान रखिएगा इसमें मोवन अच्छे से लगा हो, क्योंकि मोवन अच्छे से लगा होगा तभी हमारे समोसे थोड़ा सा क्रिस्पी टाइप होंगे। और इसमें वो
अच्छे से इसको भूनने के लिए, इसका मटेरियल बाहर ना निकल जाए, इसके लिए आपको अच्छे से वो करना पड़ेगा, पानी लगाना पड़ेगा ताकि वो सारे समोसे साइड से दबा सकें। आप इन दो तीन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, नहीं समोसे तेल में ही बाहर आ जाएंगे। चलिए देखिए हमारे सारे समोसे अब सिरक देंगे। देखिए अगर आपको हमारे समोसे पसंद आ रहे हैं, हमारी रेसिपी पसंद आ रही है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक कमेंट और शेयर दीजिए। थैंक यू।